सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुनीता नेगी पर। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, आजकल क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। वीडियो तो बना लेती हूँ लेकिन रात को एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ आजकल वीडियो, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठना, फिर सुबह से काम पर लगना, घर का काम, फिर उसके बाद 10 बजे अपने कार्यालय का काम, फिर 5 बजे वहाँ से आना, फिर नहीं हो पाता है रात को, फिर वही अपना खाना पीना, फिर नींद आने लगती है, तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ आज का। कल मैं जा रही हूँ अपने काम पर और बारिश भी बहुत तेज़ लगी है, सुबह पता नहीं कब से लगी है। ये देखिए चारों ओर कोहरा लगा है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ कि नदी नाले भी इतने उफान पर हैं। आज तो हमारे घर के सामने का जो गधेरा है वो बहुत तेज़ आ रहा है और इधर भी आई में कसल आसाई थी, इधर भी बहुत ही तेज़ ही है और इधर तो जा रही तेज़ होंगे, देखते हैं तो कुछ मिलेगा भी नहीं गाड़ी वगैरह, तो एजेंसी तक चलती हूँ मैं पैदल, उसके बाद देखती हूँ कि नीचे कुछ मिलता है तो ठीक। और अभी ऊपर से पैदल चलते चलते मैं अभी पहुँच गई हूँ यहाँ गैस एजेंसी में, यहाँ पर भी यात्री रिक्शा मुझे अपना है, यहाँ पर बैठने के लिए, लेकिन यहाँ से कुछ आता है तो ठीक है, पैदल तो मैं जाऊँगी नहीं। अभी मैं आपको नदी का रौद्र रूप दिखाती हूँ, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो भी इतनी तेज बहाव में है आज, मुझे तो डर सा लगता है लेकिन थोड़ा बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये देखिए ये रहा नदी का रौद्र रूप, इतना तेज बहाव है आज पूरा इस साइड से और इस साइड तक आप देख सकते हैं, ठीक यहाँ से पानी है और पूरा उस साइड तक पानी पानी, इतना तेज, इतना तेज की। इस पानी को देख के गाना याद आ रहा है कि तेर मछोई गढ़ बगी गेर ले खा ले अब खा मच्छा, तो इसी नदी को देखकर किसी और नदी को देखकर भी यह गाना बनाया गया होगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं ऊपर रौली गांव में और यहाँ मैं यहाँ से आपको नीचे का नज़ारा दिखाती हूँ, जो पुल टूटा था पुल भी आज को सरकार प्रगति पर है और मेरे सारे 2 महिलाएं भी जा रही हैं जवान जवान, और यहाँ जो है कार्य प्रगति पर है, लगे हैं सभी लोग भाई लोग यहाँ पर काम करने पर, और नीचे यहाँ बिल्कुल डेंजर हो रखा है इधर, और ऐसा कुछ रास्ता बनाया है उधर जाने के लिए, और ऐसे कुछ खतरनाक रास्तों से हमें आना पड़ रहा है, हम क्या यह भी लोग भी लगे यहाँ पर कार्य करने पर। अब पुल अभी थोड़ा ही बन के तैयार हुआ है, इतना बनने में तो अभी शायद 6 महीने, और ऐसे कुछ डेंजर रास्तों से हमें जाना पड़ रहा है इधर को, इन्होंने अपने लिए भी जाने के लिए ऐसे कुछ बनाए हैं। अरे देखो यहाँ लगे हैं लोग बिल्कुल काम करने पर, कार्य मतलब, अरे रहा बहुत सारा सामान भी यहाँ पर आ चुका है पुल बनने के लिए, तो सही भैया लोग लगे इधर काम करने पर, कुछ गाड़ियाँ इस साइड खड़ी हैं, कुछ गाड़ियाँ उस साइड। नहीं अभी कितने महीने लगे इसे बनने में? अच्छा अच्छा ठीक, लगे रहो काम पे। हाँ तो अभी हम पहुंच गए हैं बगवाड़ी गांव में और यहाँ पर बैठे हैं क्या, और अभी यहाँ पर कुछ लोग अभी आए नहीं हैं, तब तक हम थोड़ा भी रेस्ट करते हैं। अरे रहा बगवाड़ी का खूबसूरत सा गांव, और यहाँ पर मंदिर ही आपने पहले भी देखा होगा, इस आंटी को आपने पहले भी देखा होगा, अरे रवीना है, अरे आंटी है, अरे सीढ़ी मैडम है, और अभी इससे पहले आपने देखा रौली वाला पुल जो टूटा था वो कार्य अभी चल रहा है वहाँ पे, पता नहीं देखते हैं, साल भर भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, और क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है तो डेली बारिश हो ही रही है, डेली कहीं ना कहीं से टूट रहा है। तो अभी मैं आपको रौली का थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ, आज तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है वहाँ टूटा फूटा, तो ये रहा देखो वहाँ बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा है, ये कितना ऊपर जब पूरा धस रखा है नीचे इधर। तो अभी हम बगवाड़ी गांव से आ चुके हैं, हम जा रहे हैं ब्यासी गांव में, बहुत ही घनघोर जंगलों के रास्ते, और इस सारे जंगल के रास्ते से हम आए हैं इधर से इधर से इधर, और अब हम अपने घर को जाने लग गए हैं, घर चलते हैं अब।